यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में जांच कमेटी हुई गठित। आगरा में गुरुवार को इंटरमीडिएट का पेपर लीक होने की बड़ी घटना हो गई है। यूपी बोर्ड का जीव विज्ञान और गणित का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर गुरुवार को लीक हो गया। जीव विज्ञान और गणित का पेपर गुरुवार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और शुरू होने के 1 घंटे बाद ही दोनों पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए गए। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर डालने के बाद अफरा तफरी मच गई और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों के कमेंट के बाद व्हाट्सएप ग्रुप से पेपर डिलीट कर दिया गया। जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि पेपर लीक होने का ये मामला अंतर सिटी इंटर कॉलेज रोजोली के कंप्यूटर ऑपरेटर ने किया था। पेपर लीक होने पर विनय चाहट के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। विनय के अतिरिक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ भी तहरीर दी गई है। शिक्षा विभाग ने जीव विज्ञान और गणित के पेपर लीक की जाँच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब घटना की जाँच कर रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान और गणित का पेपर गुरुवार दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ था। पेपर शुरू होने के 1 घंटे बाद दोनों पेपर ऑल प्रिंसिपल आगरा ग्रुप पर विनय चाहर मोबाइल नंबर से ग्रुप में डाल दिए गए। जीव विज्ञान के पेपर का कोड 368GL और सीरियल 153 है। व्हाट्सएप ग्रुप में जीव विज्ञान पेपर के सभी पन्ने डाले गए। व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए गणित के पेपर का कोड 324FC है। जिस मोबाइल नंबर से ये दोनों पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए थे उस पर विनय चाहर का नाम लिखा था। पेपर लीक होने की जानकारी के बाद शिक्षा विभाग में अफरा तफरी मच गई और शिक्षा विभाग में पेपर लीक होने की जांच पड़ताल का काम शुरू हो गया। जांच में ये भी माना जा रहा है कि पेपर की फोटो खींचकर किसी और व्यक्ति अथवा ग्रुप में डालने की मंशा थी और गलती से जो प्रिंसिपल व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर डल गया हो। आशंका है कि शिक्षा माफिया कहीं कॉपी कर रहे हों और उन्हीं के लिए ये पेपर भेजना हो, जो प्रिंसिपल व्हाट्सएप ग्रुप से पेपर लीक होने के बाद परीक्षा केंद्रों की चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। मैं डॉक्टर इंद्र प्रकाश सिंह सोलंकी, मैं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन और एडिशनल चार्ज मेरे पास ADBSEC का है और DS2 का भी है। तो आज की परीक्षा के संबंध में जो आपने प्रश्न किया है कि आज क्या हुआ है, तो हमारी परीक्षा आज 2 बजे विधिवत सभी केंद्रों पर अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी और हमारे 5-6 सचल दल हैं, सभी क्षेत्र में थे। रिपोर्ट भी सबकी ओके की आ रही थी। उसी के बाद लगभग 1 घंटा 15 मिनट बाद ये संज्ञान में आया कि कोई ऑल प्रिंसिपल ग्रुप्स है उस पर कोई गणित का पेपर पोस्ट हुआ है। तो जब ये पता चला तो हमने देखना भी चाहा तो पता लगा कि वो डिलीट भी हो गया है, डिलीट एवरीवन करके। तो इसी संबंध में ये पता लगा रहे थे कि कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है। क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं उनमें मैं भी ऐड हूँ, तो उसमें कहीं पर दिखाई नहीं दिया था ये कौन सा है। तो ये कोई अधिकृत ग्रुप भी नहीं था इनका, बहुत पहले का कभी का रहा होगा जिस पर, अगर ये इस पर होता हमारे जो अधिकृत ग्रुप बने हुए हैं जो CS के हैं, प्रिंसिपल्स के हैं, तो हमें तुरंत ही पता चल जाता, लेकिन पता नहीं चल पाया। तो इसी संबंध में अब ये संज्ञान में आया है कि जो वहाँ अतर सिंह इंटर कॉलेज है करावली में, जो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, तो वहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और ये कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा, क्या नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम चौधरी करके हैं, विनय चौधरी हैं, कंप्यूटर विनय चौधरी हैं, तो उनके द्वारा ये पोस्ट किया गया था और ये संभवतः उन्होंने उनकी किसी को नकल कराने की मंशा रही होगी, तो इसलिए पोस्ट किया गया था। और जब उन्हें पता चला कि मेरा ऑल प्रिंसिपल ग्रुप्स पर हो गया तो तुरंत ही डिलीट भी कर दिया गया है। और इसमें जो संलिप्तता रही है नकल कराने की, तो इसमें सभी लोग दोषी हैं, चाहे केंद्र व्यवस्थापक हैं, सहायक केंद्र व्यवस्थापक हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, पूरा ग्रुप ही दोषी है। तो चूंकि पता चल चुका है कि किस केंद्र से ये घटना घटित हुई है और किसकी क्या मंशा थी, तो उन सभी के विरुद्ध जो DS1 है दिनेश कुमार जी, तो वो FIR करा रहे हैं संबंधित थाने करावली में, वो फतेहपुर सीकरी में, तो उनके विरुद्ध FIR भी हो रही है। और साथ साथ ही हमारी 3 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई है जिसमें GIC के प्रिंसिपल हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और एसोसिएट DS हैं। तो तीनों कल तक उसकी जाँच करेंगे और उसमें देखेंगे कि और क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही हैं जो किस तरीके से इस नकल कराने वाले संबंधी घटना को अंजाम दिया है। तो बताया जा रहा है गणित के अलावा एक और पेपर था वो भी लीक हुआ है। नहीं, गणित के अलावा तो आज देखिए जीव विज्ञान का और गणित का था,
दो ही पेपर थे इवनिंग में, बताइए तो, दोनों ही पेपर लीक हुए हैं। हाँ, दोनों का एक छोटा सा पार्ट उसमें वो भी आया है जीव विज्ञान वाला, लेकिन गणित ज्यादा पार्ट था उसमें। तो चूंकि उस मीडिया पर पोस्ट, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, तो दोनों का ही पार्ट था। तो ग्रुप था एडमिन कौन था इसका नहीं पता है, बताते हैं, बहुत पहले का ग्रुप बना हुआ था। और चूंकि जो मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने तो देखा नहीं, अगर इसमें हम ऐड होते ये ग्रुप अभी का होता तो हमारे किसी न किसी अधिकारी को पता चल जाता। तो ग्रुप में कोई भी अधिकारी, अधिकारी कोई नहीं था, ये बाहर से ही पता चला, सोशल मीडिया से ही पता चला, जो मीडिया से पता चला, सोशल मीडिया से क्या, बल्कि मीडिया से पता चला कि इस तरीके से एक पोस्ट हुआ है जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस है और कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस। पेपर को अब रद्द किया जाएगा या क्या? नहीं, पेपर रद्द करने का प्रश्न इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये परीक्षा 2 बजे ही प्रारंभ हो गई थी और 1.25 घंटे बाद ये पता चली थी, सभी बच्चे अंदर थे और बाहर ये पेपर जाने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता। आप देख रहे हैं कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, फोर्स सब लगी हुई है, तो वो तो सिस्टम खत्म हो गया कि वहां पर केंद्र पहुंच जाएगा, कोई नकल करा देगा। फिर भी ये जांच का विषय है तो समिति जांच करेगी और ये सचिव माध्यमिक परीक्षा शिक्षा परिषद उनका निर्णय लेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पेपर रद्द होना चाहिए। दिनांक 29 फरवरी 2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा द्वारा एक तहरीर दी गई थाना फतेहपुर सीकरी पर, जिसमें ये आरोप लगाए गए कि अतर सिंह इंटर कॉलेज रुझौली किरावली आगरा के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा बोर्ड परीक्षा के जीव विज्ञान और गणित के प्रश्न पत्र ऑल प्रिंसिपल्स ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किए गए। तहरीर का संज्ञान लेते हुए थाना फतेहपुर सीकरी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।